नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स का एक रिलेशन होता है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट रिलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स एंड दैट हैविंग द रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया में और उनकी साइड्स में एक रिलेशन होता है. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थ्योरम्स आल्सो एंड वी लुक एट द प्रूफ ऑफ दैट थ्योरम आल्सो, राइट? लुक एट दिस थिंग रिटन ऑन द स्क्रीन हियर. You have learned that in two similar triangles, the ratio of their corresponding side is the same. Do you think there is any relationship between the ratio of their areas and the ratio of corresponding sides? You know that area is measured in square units. So, you may accept that this ratio is square of the ratio of their corresponding sides. This is indeed true. We shall prove it in the next theorem. ओके, सो हम लोगों ने देखा है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सपोज इफ अ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, सो उनकी जो साइड्स का रेशियो है एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यूआर एंड एसी अपॉन पीआर, सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस. इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स रेशियो इज सेम. अब हम लोगों को क्या कोई एरिया का भी रिलेशन होता है? जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर से, तो क्या ये किसके इक्वल आएगा? क्या ऐसा भी कोई रिलेशन होता है? होता है, राइट? अब एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया की जो यूनिट होती है, यू नो दैट इट इज अ स्क्वायर यूनिट. और यहां पे साइड लिखी हुई है एबी, तो साइड की क्या होगी? जैसे साइड मीटर में है तो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में, तो साइड मीटर में है तो एरिया की यूनिट मीटर में होती है, तो स्क्वायर में होती है, तो हमें ये रिलेशन होता है एबी स्क्वायर एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. लुक एट दिस थ्योरम हियर. दिस इज थ्योरम 6.6. क्या कहती है थ्योरम? द रेशियो ऑफ द एरिया of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. जो मैंने अभी बताया, ratio of the corresponding sides. इसका proof देखते हैं. अगर triangle ABC triangle PQR के similar है, so let us look at the proof of this theorem. Okay, so these are the triangles here. अब इसका proof देखते हैं. So what we need to prove here in this theorem is जो एबीसी और इसका जो रेशियो है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है. दिस थिंग वी नीड टू प्रूव. यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल पीक्यूआर है, राइट? फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एल्टीट्यूड हमें बनाने होंगे, तो एक एल्टीट्यूड एएम बना लिया है, एक एल्टीट्यूड पीएन बना लिया है ट्रायंगल पीक्यूआर. अब आप अगर एरिया फाइंड करेंगे एबीसी का, तो क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना है बीसी, हाइट कितनी है एएम, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर. एरिया ऑफ पी क्यू आर हाफ इंटू बेस कितना है क्यू आर और हाइट कितनी है पी एन. यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैंने रेशियो कर लिया इसका, दिस डिवाइडेड बाय दिस, एरिया ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाय पी क्यू आर. सो यहाँ पे एबीसी रख लिया, यहाँ पे पी क्यू आर, ये कट गया इससे, ठीक है? सो दिस इज ऑब्टेंड हियर. सो व्हाट आई हैव ऑब्टेंड हियर, बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन. हमें प्रूव क्या करना है? हमें जो प्रूव करना है, इनका जो एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है? देखो बीसी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल. अब यहां पे क्या आया? यहां पे आया बीसी अपॉन क्यू आर एंड ए एम अपॉन पी एन. तो अब ये बीसी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर कैसे बनेगा? ये अगर ए एम अपॉन पी एन को किसके इक्वल कर दें? बीसी अपॉन क्यू आर के. अगर ए एम अपॉन पी एन को बीसी अपॉन क्यू आर के इक्वल कर दें, तो हमारा ये बीसी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बन जाएगा. सो दिस इज द अप्रोच वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस टू प्रूव इट, राइट? आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. लुक एट दिस. अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक ट्रायंगल एबीएम लिया हमने, ये छोटा ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल पीक्यूएन लिया, दिस ट्रायंगल. इसमें एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर थे. एंगल एम एंगल एन के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है. तो इससे क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे. किस क्राइटेरिया से? सिमिलरिटी क्राइटेरिया से. इतनी बात आपको समझ में आ रही है, राइट? इसके बाद अगर ये दोनों सिमिलर है तो ए एम अपॉन पी एन ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल हो जाएगा. ए एम अपॉन पी एन ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल हो जाएगा. हो जाएगा.
सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, करस्पोंडिंग साइड्स, राइट। अब एक बात और देखिए आप, एबीसी अगर पीक्यूआर के इक्वल है तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, ए बी अपॉन पीक्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी ए अपॉन आर पी, ये तो गिवन है हमें। अब यहां से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो गया, ए एम अपॉन पी एन के, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के, तो ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, जो मैं कह रहा था जो हमें प्रूव करना है। तो ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल हो गया, यहां से इससे इस इक्वेशन से और इससे, तो एक इसके इक्वल आ गया बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल, तो होगी प्रूफ थ्योरम। अब बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू रख दो यहाँ पे, तो ये ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसकी जगह पे सी ए अपॉन आर पी रख दो, तो सी ए अपॉन आर पी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, आई होप दिस प्रूफ इज क्लियर टू यू ऑल। राइट, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इसको, अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, ए एम अपॉन पी एन की जगह पे, अच्छा इन्होंने तो दोनों को ही रिप्लेस कर दिया। इन्होंने क्या किया मैं बताता हूं, यहाँ पे जो ऊपर वाली जो थ्योरम थी, इन्होंने ए एम अपॉन पी एन की जगह भी क्या रख दिया, ए बी अपॉन, और बी सी अपॉन क्यू आर की जगह भी क्या रख दिया, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए एम अपॉन पी एन की जगह ए बी अपॉन पी क्यू, और इसकी जगह पे ये, तो ये आ गया और ये थ्योरम आपकी प्रूव हो गई है। इज देयर एनी डाउट इन दिस थ्योरम, आई होप दिस थ्योरम इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। द प्रूफ इज इजी, द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज इजी फॉर यू। एनी क्वेश्चन, यस और नो? नो सर। नो सर। ओके, so now let's based on this theorem let's move to the exercise questions and try to solve some questions based on this theorem, then this theorem will be completely clear to you.